हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज का मेरा लेक्चर है कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम एक इलेक्ट्रोलाइट्स होता है जो कि हमारी बॉडी में नॉर्मली प्रेजेंट होता है। उसके जो टेस्टिंग है उसके बारे में बात करेंगे, नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, इसका हमारी बॉडी में फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम इस लेक्चर में आपको बताएंगे। कैल्शियम जो है ये टोटल बॉडी हमारा जो कैल्शियम होना होता है 1 to 1.5 kg होता है, और जो इसका 99% पार्ट है वो हमारे बोन्स और टिथ में पाया जाता है। इसके अलावा जो रिमेनिंग हमारा जो 1% होता है वो हमारे बॉडी फ्लूइड्स और टिश्यू में ये पाया जाता है। तो ये इसकी कंपोजिशन है कि कैल्शियम हमारी बॉडी में वो किस प्लेस पर कितना वो प्रेजेंट होता है। ये सोर्स हैं कैल्शियम, हम कैसे ले सकते हैं अपनी डाइट में। इसके लिए हमें मिल्क में और जितने डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें प्रेजेंट होता है। एग योक के पार्ट में होता है, जो येलो पार्ट होता है, फिश के अंदर होता है, और GLV और बीन्स में पाया जाता है। इसके अलावा काऊ जो मिल्क है, काउज मिल्क, उसमें 100 mg/100 ml और ह्यूमन मिल्क में 30 mg/100 ml में ये पाया जाता है। ये इसकी जो नॉर्मल वैल्यू रिकमेंडेड डेली जो हमारा अलाउंस है इसको हम लेते हैं, RDA बोलते हैं इसको हम, रिकमेंडेड डेली अलाउ जो हमारा अलाउंस होता है। एडल्ट को लेना चाहिए 500 mg/day के बेस पर, चिल्ड्रन को लेना चाहिए 1200 mg/day, और प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में इसका जो रेंज है वो बढ़ जाता है 15 mg/day जो है कंज्यूम करना चाहिए फीमेल को। इसका एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में जो होता है वो साइट है फर्स्ट पार्ट एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ डियोडिनम, यानी कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके फर्स्ट पार्ट में और सेकेंड पार्ट में इसका एब्जॉर्प्शन होता है। और कैल्शियम जो है ये एब्जॉर्ब होता है जो हमारे जितने भी ग्रेडियंट जो रिक्वायरमेंट होती है उसकी कंसंट्रेशन के अगेंस्ट होता है, और ये जो है इसको एनर्जी की रिक्वायर पड़ती है, और इसके अलावा जो प्रोटीन्स है वो इसको कैरियर करता है, ले जाता है, उसकी प्रेजेंस में ही ये जो है एब्जॉर्प्शन होता है। कुछ फैक्टर होते हैं जो इसको अफेक्टिंग करते हैं एब्जॉर्प्शन में, और इसके जो इंक्रीज होता है एब्जॉर्प्शन इसका रेट किसकी प्रेजेंस में, कैल्सिट्रोल और पैराथायरॉइड हार्मोन, एसिडिटी और अमाइनो एसिड जिसमें लाइसिन और आर्गेनिन है। तो ये जो ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसमें जो इसकी एब्जॉर्प्शन रेट वो इंक्रीज हो जाती है। फैक्टर जो डिक्रीज करते हैं इसकी एब्जॉर्प्शन रेट में वो हैं, इसमें जो पैथाइटेट है, ऑक्सलेट्स होते हैं, हाई पोटेशियम जो फॉस्फेट कंटेंट होते हैं, ऑप्टिमम रेशियो होता है कैल्शियम का फॉस्फेट का हमारी बॉडी में 1:2 और 2:1, यानी कि ये हमारा अलाउ करता है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन में। फ्री फैटी एसिड होते हैं जिसको हम बोलते हैं FFA, फ्री फैटी एसिड। कैल्शियम प्लस FFA जो है इसमें लिखा है कैल्शियम फ्री फैटी एसिड जो है वो कैल्शियम के सोल्यूबल हो जाते हैं, जिसको स्टीरिडोरिया का नाम दिया गया है, और एल्कलाइन मीडियम में और हाई डाइट्री फाइबर्स में। इसकी जो लेवल है वो जो हमारा एब्जॉर्प्शन रेट है वो कम हो जाता है, इसमें कैल्शियम कम एब्जॉर्ब होगा। इसका फंक्शन क्या होता है, जो फंक्शन में है, नंबर वन जो मिनरलेशन होता है हमारा, मिनरल जिसको बोलते हैं मिनरलेशन हमारे बोन्स में और टिथ में। बोन इज़ अ मिनरलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है हमारा, एक बोन मिनरल कनेक्टिव टिश्यू होता है, और इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं कोलेजन प्रोटीन्स, और इनऑर्गेनिक में हमारे मिनरल्स कंपाउंड्स और हाइड्रोक्सी एपेटेट एपेटाइट और CA10 PF4, ये सारे के सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं हमारे बोन्स में। इसके अलावा ये हमारे जो ब्लड है उसको कोगुलेशन करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और जो हमारा कोगुलेशन फैक्टर होता है उसका जो 4 नंबर होता है वो कैल्शियम होता है, और जो हमारा कोगुलेशन कैस्केड होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैल्शियम। प्रोथ्रोम्बिन जो फैक्टर सेकंड होता है उसमें ग्लाइसिन होता है, जो गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट होता है, और कैल्शियम जो है एक वहाँ ब्रिज बनाता है इन दोनों के बीच में, ग्लाइसिन रिड्यूस्ड और जो हमारा प्रोथ्रोम्बिन होता है। और इसके अलावा जो हमारे जो प्लेटलेट्स होते हैं उनकी मेम्ब्रेन जो होती है उनमें फॉस्फोलिपिड में, उनको भी ये जो है कनेक्ट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, यानी कि जो हमारा कालमोडिन होता है ये
ये कैल्शियम बाइंडिंग रेगुलेटरी प्रोटीन होती है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 17,000 होता है और ये बाइंड हो जाता है 4 कैल्शियम आयन के साथ में। तो यहाँ पे ये बता रखा है इसका मैकेनिज्म कैसे होता है यहाँ पे कैल्शियम का। तो कैल्शियम प्लस इसमें कामोडिन और इसके आगे फिर ये कामोडिन बाउंड हो जाता है, 4 जो कैल्शियम इसके साथ बाइंड हो जाएगा, फिर काइनेज एंजाइम है वो एक्टिव काइनेज बनेगा और एंजाइम जो है यहाँ पे फॉस्फोराइडेशन एंजाइम और बायोलॉजिकल हमारी बॉडी में इसका जो है वो इफेक्ट होगा। ये मेडिएटेड है जो कॉलमंडिन जो करते हैं इसमें, जैसे एडाइल कलेले कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज, और कैल्शियम जो है इसमें है यहाँ पे मैग्नीशियम, एटीपेज, ग्लाइसिन, ग्लिसरॉल, ग्लाइकोइन, फॉस्फोलाइपेज और पाइरवेट डिहाइड्रोनेज, पाइरवेट काइनेज, पाइरवेट कार्बोक्सिलेज, ये सारे के सारे एंजाइम होते हैं जो ये कैल्शियम के ऊपर यहाँ पर डिपेंड होते हैं। इसके अलावा जो पांचवा फंक्शन है ये नर्व में फंक्शन करता है। कैल्शियम जो है हमारा जो नर्व का जो ट्रांसमिशन होता है, इम्पल्स होते हैं उनको स्टार्ट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और साइनेप्टिक जो होते हैं उनको यहाँ पे इसके प्री साइनेप्टिक फॉर्म में लाने में मदद करता है। इसके अलावा जो हॉर्मोन्स होते हैं उनको सिक्रीशन करने में मदद करता है। कैल्शियम जो है यहाँ पे एक इंसुलिन है उसको सिक्रीशन करने में, पैराथायर हॉर्मोन को एक्टिवेट करने में, कैल्सिटोनिन और वैसोप्रीन जो हॉर्मोन होते हैं इनको प्रोड्यूस करने में, सिक्रीशन करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा ये एक सेकंड मैसेंजर होता है जो सिग्नल देता है हमारी ट्रांजेक्शन के थ्रू, यानी कि कैल्शियम और जो हमारा साइक्लिक एएमपी होता है उसमें सेकंड मैसेंजर होता है डिफरेंट हॉर्मोन्स के लिए, और इसका एक एग्जांपल है ग्लूकागोन। ग्लूकागोन एक जो है हार्मोन होता है जो कि हमारे पेनक्रियाज के वहाँ पे बीटा सेल गामा सेल के द्वारा ये सिक्रीट होता है। कैल्शियम यूज होता है हमारा एक सेकंड मैसेंजर होता है जो कि हम इस सिस्टम में इन्वॉल्व होता है, जहाँ पर जी प्रोटीन जो है और जो इनोसिटोल ट्राइफोस्पेट में मदद करता है। ये मायोकार्डियम, यानी कि मायोकार्डियम हमारा जो है हमारे हार्ट की जो बीच की जो लेयर होती है उसमें प्रेजेंट होता है, मायोकार्डियम कहते हैं उसको हम। वहाँ पे जो कैल्शियम होता है वो प्रोलॉन्ग सिस्टोल का काम करता है और हाइपरक्लीमिया जो है कार्डियक अरेस्ट में हो जाता है ये सिस्टोल के दौरान, अगर कैल्शियम की जो है वो ज़्यादा मात्रा होती है। क्वेश्चन, अगर कैल्शियम जो है एडमिनिस्ट्रेट को ले रहा है इंट्रावेसरी अंदर वाई वी वेन में तो उसको धीरे धीरे देना चाहिए, क्योंकि एकदम अगर ज़्यादा देंगे तो वो जो सिस्टोल हो रहा है उसमें वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये यहाँ पे आयोनाइज कैल्शियम है, हमारा बायोलॉजिकल इफेक्ट 50% होता है। कैल्शियम जो कॉम्प्लेक्स है विद साइट्रेट फॉस्फेट बाइकार्बोनेट 10% होता है, और प्रोटीन जो बाउंड होता है हमारा जो नॉन डिफ्यूजेबल होता है वो 40% होता है। तो ये अलग अलग परसेंटेज में यहाँ दिखा रखा है कि सर्कुलेशन में जो है हमारा कैल्शियम कहाँ कहाँ कितना प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो हमारा नॉर्मल सीरम लेवल कैल्शियम है वो होना चाहिए 9 to 11 मिलीग्राम पर डीएल, आयोनाइज्ड कैल्शियम होना चाहिए 5 मिलीग्राम पर डीएल, और कैल्शियम कॉम्प्लेक्स जो हमारा फॉस्फेट साइट्रेट होना चाहिए वो होना चाहिए 12 मिलीग्राम पर डीएल, प्रोटीन बाउंड कैल्शियम जो होता है वो 4 मिलीग्राम पर डीएल, और इसके अलावा जो आयोनाइज कैल्शियम होता है वो मेटाबोलिकली हमारी बॉडी में यूज होता है और बायोलॉजिकल जितने भी एक्टिव फॉर्म्स होते हैं उनमें ये हेल्प करता है। हाइपोएल्बुमिनेमिया, यानी कि एल्बुमिन की मात्रा अगर कम हो जाएगी तो प्लाज्मा जो टोटल हमारा कैल्शियम लेवल है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि इसको कैल्शियम को ये बाउंड करता है प्रोटीन, और हर एक ग्राम जो हमारा एल्बुमिन होता है वो इसको डिक्रीज करता है यहाँ पे 0.8 मिलीग्राम पर डीएल कैल्शियम। अगर हाइपर प्रोटीनीमिया है यहाँ पे, हाइपो मतलब कम होना, हाइपर माने ज़्यादा होना, तो उसको बोलते हैं पैरा प्रोटीनीमिया, और ये एसोसिएटेड होता है हमारे प्लाज्मा टोटल कैल्शियम को लेवल को बढ़ा देता है। एसिडोसिस किसी को हो जाता है तो उसके अंदर जो है हमारा आयोनाइज कैल्शियम बढ़ जाता है, और एल्कलोसिस फ्लेवर बाइंडिंग होती है तो वहाँ पे कैल्शियम जो है वो डिक्रीज हो जाता है आयंस कैल्शियम के साथ लेवल में, लेकिन जो टोटल कैल्शियम है वो नॉर्मल रहता है, और अलग अलग जो कैल्शियम होते हैं जैसे यहाँ पर जो हमारा आयोनाइज कैल्शियम है उसकी मात्रा कम हो जाती है। ये कैल्शियम होमोस्टेसिस है हमारी बॉडी में, जो कैल्शियम वो कैसे मेंटेन होता है, प्लाज्मा कैल्शियम जो है वो मेंटेन करता है हमारे नैरो लिमिट्स में। मेजर जो फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं होमोस्टेसिस में जैसे कैल्सिट्रोल, पैराथार्मोन,
कैल्सिटोनिन, और इंक्रीज करता है कैल्शियम और डिक्रीज करता है यहाँ पे ये जो हमारा ये कैल्सिटोनिन होता है, और कैल्सिट्रोल जो है वो इंक्रीज करता है, और पैराथॉर्मोन जो है वो भी इंक्रीज करता है कैल्शियम के लेवल को। ये हमारा दिखा रखा है कि कौन सा कितना होता है ब्लड में, जैसे दिखा रखा है यहाँ पे कैल्शियम। और इसके अलावा इंटेस्टाइनल जो है आंतों में हमारा, और ये ल्यूमन में, और ये पूरा का पूरा डायग्राम दिखा रखा है कि इसमें जो कालबिडिन है वो कितना है और सी बी प्रोटीन कितना है, जो वहाँ पे कैल्शियम प्रोटीन होती है। कैल्सिट्रोल जो है सी से बता रखा है, आर मतलब रिसेप्टर है, सी आर जो है कैल्सिट्रोल है हमारा। इसमें हर एक चीज़ को यहाँ पे डायग्राम के से बता रखा है। ये पैराथॉर्मोन है, यहाँ पे पैराथॉर्मोन जो है ये सिक्रीटेड हो, जो हमारे पैराथायरॉयड जो सेल्स होते हैं उनके द्वारा ये द्वारा सिक्रीट किया जाता है, और पीटीएच जो है इसको यहाँ पर ईसीएमपी के द्वारा रिलीज किया जाता है। इसमें थ्री इंडिपेंडेंट हमारी साइट होती हैं एक्शन के, जैसे बोन, किडनी और इंटेस्टाइन, और जितने भी एक्शन होते हैं ये पीटीएच इंक्रीज करता है, सीरम कैल्शियम को लेवल को बढ़ा देता है। ये यहाँ पे दिखा रखा है यहाँ पे कि भाई हमारा जो कैसे ये हमने पीटीएच डायरेक्ट एक्शन है इसका, यहाँ पे डिक्रीज करता है रीनल एक्सक्रीशन, कैल्शियम रीनल में चला जाता है, इंक्रीज करता है रीअब्जॉर्प्शन कैल्शियम फ्रॉम डिस्टल के से, यहाँ पे जो कैल्शियम है वो डिक्रीज हो जाता है, इसको इंक्रीज फॉस्फेट एक्सक्रीशन भी इसको हो जाता है पेशेंट को। इंटेस्टाइन में जो हमारा पीटीएच स्टिमुलेट करता है 1-hydroxylation 25 कोलेस्ट्रोल कैल्सिप्रोल फॉर्म द कैल्सिट्रोल, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे डिपेंड करता है। और लास्ट में जो इंक्रीज जो हमारा इंक्रीजिंग कैल्शियम लेवल है वो ब्लड में जो है वो इंक्रीज बढ़ जाता है, और उसी के लिए ये टेबल जो बना के यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये कैल्सिटोनिन के बारे में बता रखा है कि जो हमारा पैरा फोलिकुलर सेल्स होते हैं हमारे थायरॉयड ग्लैंड के, वो सिक्रीट करते हैं इसको कैल्सिट्रोल को, और जो कैल्सिटोनिन होता है ये प्रमोट करता है हमारे जो कैल्सिफिकेशन है उसके, उसको प्रमोट करता है, और उसके बाद ये जो ऑस्टियोब्लास्ट है उसकी एक्टिविटी को यहाँ पर ये मेजर इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। कैल्सिटोनिन डिक्रीज होता है तो बोन रीअब्जॉर्प्शन करता है, और ये इंक्रीज कर देता है जिसका कैल्शियम का सिक्रीशन यूरिन में, और इसके लिए जो है हमारे ब्लड लेवल में जो कैल्शियम है उसकी मात्रा कम हो जाती है। ये हमारा गट के बारे में बता रखा है, GUT गट, विटामिन डी जो है यहाँ पे ये पीटीएच पैराथायरॉमोन में द्वारा निकलता है, फिर इसके बाद बोन में सीरम कैल्शियम और रीअब्जॉर्प्शन कैल्शियम फ्रॉम द किडनी ट्यूब्यूल में वहाँ चला जाता है, और होम्योस्टेसिस जो है हमारे सीरम कैल्शियम को मेंटेन रखता है। ये प्लाज्मा कैल्शियम है हमारा पैराथायरॉइड हार्मोन 125, ये हमने पहले भी बताया था आपको, और ये किस प्लाज्मा कैल्शियम जो है कैसे हमारी बॉडी में कंट्रोल होता है उसका ये पूरा का पूरा जो है चार्ट ये यहाँ पे हमें दिखाया हुआ है। ये किडनी में जो हमारा जो है फॉल इन प्लाज्मा कैल्शियम, होमोस्टेसिस प्लाज्मा इन कैल्शियम जो है ये किडनी में इधर से जाता है, फिर ये एब्जॉर्ब हो जाता है कैल्शियम, और उसके बाद फिर वो हमारा जो है ये बोन में चला जाता है इंक्रीज कैल्शियम, और एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में, और ये मेटाबोलाइट होता है यहाँ पे, और फिर प्लाज्मा में ये इस रूप में जो है 1:25 DHCC हाइड्रोक्सी ऑन द 25 HBC, और इनिबिट करता है ये रिलीजिंग ऑफ PTH पैराथायरॉइड हार्मोन। इम्पोर्टेंस जो है इसका यहाँ पे CA और जो हमारा यहाँ पे फॉस्फेट है उसका रेशियो है, प्रोडक्ट ऑफ कैल्शियम इंटू फॉस्फेट 10:4, नॉर्मल जो है एडल्ट में 40, चिल्ड्रन में 50 और रिकेट्स में लेस देन 30। नॉर्मल जो कैल्शियम होता है रेशियो जो है कैल्शियम फॉस्फेट रेशियो इसेंशियल होता है बोन मिनरलाइजेशन के लिए, बोन में प्रॉपर मात्रा में वहाँ पे उसका जो मिनरलाइजेशन होता है उसको रखने के लिए। ये इसमें हाइपरकैलीमिया है, यानी कि कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। इसके कॉजेज हैं यहाँ पे हाइपर पैराथायरॉइडिज्म कैरेक्टराइज बाय द इंक्रीज जो हमारा सीरियम कैल्शियम बढ़ जाता है, डिक्रीज सीरम फॉस्फेट हो जाता है, और इंक्रीज हो जाता है एल्कलाइन फॉस्फेट ALP एक्टिविटी को बढ़ा देता है। इसके अलावा जो बीमारी होती है मल्टीपल माइलोमा और पैजट डिजीज और सेकेंडरी बोन कैंसर में ये जो है यहाँ पे हाइपरकैलीमिया हो जाता है उसको। क्लिनिकल फीचर्स जो हाइपर कैलीमिया के, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में डिप्रेशन, कन्फ्यूजन, इरिटेबिलिटी, जनरलाइज मसल्स वीकनेस, एनोरक्सिया, एबनॉर्मल पेन, एबडोमिनल पेन, नोजा, वोमिटिंग,
और सीवी कार्डिक्स आर्थमियाज इनमें हो जाता है। हाइपोकलेमिया में जो सीरम लेवल है वो इससे कम हो जाता है 8.8 मिलीग्राम पर डीएल से हाइपोकलेमिया नाम देते हैं। सीरम कैल्शियम जो है वो लेस देन 7 मिलीग्राम पर डीएल हो जाता है और इसके कारण है एक्सीडेंटल सर्जिकल रिमूवल ऑफ द पैराथायरॉइड ग्लैंड, सूडो हाइपोपैराथायरॉइडिज्म जो होता है उसमें कुछ उसकी ऑर्गन की कमी के कारण हो जाता है, रीनल डिजीज, लीवर डिजीज और विटामिन डी डिफिशेंसी के कारण ये हो जाता है। इसके अलावा माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, रीनल डिकेटेसिया, ऑस्टियोफोरेसिस और क्लिनिकल फीचर्स जो होते हैं उसको टैटेनी, न्यूरोमस्कुलर इनटेबिलिटी, स्पास, कन्वर्जन, मस्कुलर क्लैम्प और इसके अलावा जो है क्यूटी यहाँ पे इंटरवल इंक्रीज हो जाता है इसमें। थैंक यू बच्चों, आज का जो मेरा वीडियो था वो था कैल्शियम के बारे में कि कैल्शियम हमारी बॉडी में क्या फंक्शन करता है और उसका नॉर्मल वैल्यू हमारी बॉडी में कितना होना चाहिए और कौन कौन से इफ़ेक्ट्स होते हैं जो उसके ऊपर पड़ते हैं कम होने से या ज़्यादा होने से। थैंक यू अगेन बच्चों।